प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के मौके पर लॉन्च की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रधानमंत्री के अपनों ने ही पलीता लगा दिया है। यही वजह है कि बुंदेलखंड में ये महत्वाकांक्षी योजना 4 साल बाद भी सांसदों की गोद में खेल रही है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2019 तक हर संसदीय क्षेत्र से 3 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा 2019 तक लोकसभा के 1629 और राज्यसभा के 753 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन योजना के तहत गांव गोद लेने में सांसदों ने विशेष रुचि नहीं दिखाई और जिन्होंने गांव को गोद लिया तो उन्होंने कुछ खास नहीं कराया। इस योजना के तहत 3000 से लेकर 5000 तक की आबादी वाले गांव को चयन के बाद उनके विकास के लिए सर्वे किया जाना था। सर्वे के बाद गांव के विकास की योजना बनाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजी जानी थी। यानी सरकार का इरादा ऐसे मॉडल गांव बनाने का था जिन्हें देखकर आसपास के गांव भी विकसित हो सकें, पर यह योजना अभी भी जहां की तहां बनी हुई है। बुंदेलखंड में चित्रकूट मंडल के जिला बांदा की नरैनी तहसील के कालिंजर दुर्ग स्थित कटरा गांव को बांदा चित्रकूट सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने गोद लिया। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पन्ना बांदा हाईवे मार्ग पर कटरा गांव ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के पास है। इसके साथ ही सांसद ने करवी चित्रकूट के हन्ना विनायका गांव को भी गोद लिया था। इस संबंध में जब बुंदेलखंड न्यूज की टीम ने गांवों की सूरत बदलने वाली इस बहुप्रचारित योजना को खंगालते हुए चित्रकूट के सांसद द्वारा गोद लिए गांव हन्ना विनायका में जाकर रियलिटी चेक किया तो देखा जिस गांव को सांसद जी ने गोद लिया था वो पहले की तरह ही अनाथ नजर आया। आप भी देखिए और तय कीजिए आखिर जिम्मेदार कौन है। हमें मिला पूछा ना कॉलोनी ना का थी राशन मिलता है आपको हमारे दुछो मिला थी तो का हुआ था दुजने का शौचालय वगैरह मिला आपको कि नहीं मिला कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं वहाँ कौन नहीं न लेटरिन हमें मिली ना कॉलोनी हमें मिली। हाँ तो चमकावो थे तो ये देख ले। अच्छा सांसद जी जब से गोद लिए हैं तब से क्या एक बार भी गांव नहीं आए हैं हन्ना? बतावो तो कि एक बार आए बस एक ही बार एक बार हम दीख है वही मुआवे वही मुचैज आप वो ठोक से लौट जाते हो रोड से हमें का पता कि को आवो कुछ नहीं मिला हमें आवास भी नहीं मिला शौचालय मिला है शौचालय घर मिला है राशन मिलता है हाँ राशन दुविधा मिला है पर्ची मिली है राशन कार्ड वहाँ नहीं मिला। क्या आवास के लिए आपने आवंटन किया था नाम दिया था? नाम हमारा कईयो दा लिख लिए कईयो दा फोटो चला गया एक को दा पता नहीं प्रधान दे थे कि नहीं लाई जाता है एक को अवतर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? जब नहीं दे रहे तो कहाँ मिले जिसके पास है उसको दे रहे हैं जिसके पास खाने के लिए ले उसको नहीं दे रहे न कॉलोनी मिल रही न कोई काकत विकास यहाँ हो रहा गाँव में कौन सभी का से नल लगा है बहाने के लिए पानी नहीं है जगह कहाँ भर ले। बुंदेलखंड में इस वक्त हम चित्रकूट जनपद के आदर्श गांव हन्ना विनायका में हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री की कवायद के बाद सांसद जी ने इस गांव को गोद लिया था लेकिन यहां पे आने के बाद गोद लिया हुआ गांव आज भी गोद में है जो कि गोद से बाहर नहीं उभर चुका आज भी विकास से कोसों दूर है। आजादी के 7 दशकों बाद भी आज भी इस गांव में सड़कें तो इतनी खस्ता हाल है कि यहाँ चलना दूभर है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या विकास हुआ है इन 4 सालों में। आपका शुभ नाम? शिव पूजन। कहाँ के रहने वाले हैं? हन्ना विनायका। क्या विकास हुआ है यहाँ पे जब सांसद जी ने इसको गोद लिया? अरे गोद की का लिए उनका गरुआ का गोद तो फेंक दी फैले नहीं आखिर विकास क्या हुआ है यहाँ पे गाँव में? यहाँ क्या विकास देखो आप बताइए हम आपको कहाँ बताए नाली के नाली नाली देखो फाटी पड़ी पानी बरस पानी बरस कर तो कह दो एको गली साफ नहीं रह जाती है यहाँ गोद लिए तो कहा क्या शौचालय आवास वगैरह मिले? शौचालय मिला है लेकिन लिस्ट मनाओ आवा है हम अपने इस पे बनवाओ पैसा उमा एक नवा नहीं है आवास वगैरह आवास कुछ। गांव की उधड़ी कच्ची सड़क बजबजाती नालियां जगह जगह कूड़े का लगा हुआ ढेर यह चीख चीख कर कह रहा है कि जैसे यहां पर कभी सफाई व निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। जब इस संबंध में वहां के ग्रामीणों से पूछा गया तो ज्यादातर ग्रामीण सांसद जी को कोसने लगे महिलाएं तो गालियां देने लगी। उनका कहना है कि सांसद महोदय भूले भटके इस गांव आ जाते हैं
बाकी उन्होंने गांव का कितना विकास कराया है वह सिर्फ कागज में ही नजर आता होगा। मैं मिला थो भगवान जाने हम कहा जाने, 2000 मजदूरन का नहीं दिन कहाँ पाओ मिस्त्री के पास। शौचालय के लिए तो 12000 रुपए आता है, नहीं पैसे सामान भरती नहीं, 2000 दे दिया मिस्त्री को पैसा दे, अभी हम कहाँ पाए थे मिस्त्री पारा है, अभी नहीं दीना है, अब जुड़ा पार जाता खेती लगाई जो सींच लगाई थी खेती जो आप दाई दे थी। देखिए सांसद जी ने इसको गोद लिया जी, और लगभग जो मतलब लोकसभा चुनाव हुआ उसके एक साल बाद ही उन्होंने जो है हमारे ग्राम हन्ना विनायका को गोद लिया, और उसके बाद जो है आज तक विकास के नाम पे यहाँ एक ऊंट भी नहीं रखाई गई, एक ऊंट यहाँ जो है नहीं रखाई गई, और सिर्फ कागजों में विकास हो रहा है। यहाँ आदर्श गांव हुआ लेकिन एक पैसे का काम नहीं, सांसद जी आते कहते काम हो रहा लेकिन कागज में काम 75% दिखा दिया गया है, कई बार अधिकारी लोग आए लेकिन ये नाला को कोई आज तक नहीं हुआ, गांठी भर से ज्यादा पानी इसमें चौहा से चलता है। यहाँ सड़क या आवागमन की क्या सुविधाएं हैं जैसे बारिश में? सुविधाएं नहीं है बारिश में, इसमें आदमी इतना कालियां भर घुस के तो इसमें छत क्यों नहीं डलाई गई? तो होगी साहब आदमी अभी तक शादी की है, अभी पैसे कौड़ी हो तब ना डबाओ, गरीब मनाई आदमी कहां? क्या छत का पैसा नहीं मिला? अरे छत का पैसा कहाँ मिला है? अच्छा क्या कितना पैसा आया है? मिला है कि 1,10,000। तो छत के लिए किसी ने कुछ कहा? अरे होगी कहाँ इतना मिली बोला मिलवा ना करी। धरातल में काम हुआ है या नहीं यह तो देखने से ही पता चलता है। ग्रामीणों की माने तो कागजों में भले ही इस गांव को समृद्ध कर दिया गया हो लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जिनमें स्कूल, शौचालय, सड़क, बिजली, राशन आदि अभी भी बरकरार है, जबकि कागजों में इस गांव को चमाचम दिखलाया जा रहा है। वास्तविकता देखनी हो तो एक बार स्वयं इस गांव का भ्रमण कर लें, असलियत अपने आप सामने आ जाएगी। असल में माननीयों ने गांव गोद तो ले लिए लेकिन उसे पालना भूल गए। यही होता है, यही सिस्टम का दुर्भाग्य भी है, और यही चरित्र 21वीं सदी में भी यहाँ की बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को लगातार तड़पा रहा है, यही फीडबैक भी है। गांवों की सूरत क्या बदलेगी? गोद लेने वाले ज्यादातर माननीय तो इन गांवों में जाते भी नहीं है। इस आदर्श व्यवस्था में भी राजनीति की भरपूर गुंजाइश तलाश ली गई है, इसीलिए इन्हें अनाथ की हालत में छोड़ दिया गया। अब फैसला जनता को करना है। ग्राम पंचायत को लोकसभा 2014 चुनाव के दौरान जब हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि माननीय श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी जीते थे तो उन्होंने इस गांव को आदर्श गांव, आदर्श सांसद ग्राम के नाम से गोद लिया था। 2014 से 2018 चल रहा है, इन 4 वर्षों के दौरान में इस ग्राम सभा में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। विकास कार्य जो है पिछले सरकार की अपेक्षा तो ज्यादा ही हो रहा है जी। जो विकास कार्य है जिस गति से पहले चलते थे पूर्व के सरकारों में तो उनसे तो अच्छा ही विकास कार्य चल रहा है। मतलब क्या विकास हुआ है यहाँ पे, क्या क्या कार्य हुए हैं यहाँ पर? कार्य एक तो विद्युतीकरण का किया गया है जी, हर जगह पूर्वा मजरा मजरा लाइट पहुंचाई गई है जी, जहां आवश्यकता थी जी, गांव के अंदर बाहर जी। और सांसद जी ने 72 कॉलोनी हमको दिलवाया जी, 72 जी। और आगे भी हमारी लिस्ट है तो हमको उम्मीद है कि उसको भी दिलवाएंगे जी। और मार्ग की आपके गांव में बड़ी समस्याएं हैं, सड़क की मतलब रोडों की जो अंदर हैं, पतली रास्ताएं हैं, गंदगी से भरी हैं। हाँ तो क्या यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई वगैरह नहीं होती क्या समय समय पे, या मार्ग कभी बनवाया ही नहीं गया? मार्ग जो है जो अभी जितने भी मार्ग थे बड़ा गांव है तो सारे मार्ग खराब थे, अब बन रहे हैं एक एक करके। गांव के अंदर जो समस्याएं हैं सड़क की है, कीचड़ है जगह जगह, सड़कें टूटी हैं, नालियां टूटी हैं, क्या इनका मरम्मतीकरण, क्या इनका कार्य निर्माण नहीं कराया गया?
कार्य निर्माण जो है कराया जाता है, जहाँ तक जो है ग्राम पंचायत पहुँच पाती है वहाँ तक कार्य कराती है। हन्ना विनय का कि रियलिटी चेक के बाद एक निचोड़ सामने आया है, जिसमें कई मूलभूत समस्याएं उभर के सामने आई है, जिसमें पेयजल की समस्या, स्वच्छता की समस्या और साथ साथ ग्रामीणों के अन्य जानवरों की समस्याएं बहुत ही ज्यादा हैं।